आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में वह स्वयं भी हथियार डाल देता है, अन्यथा उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने का बहुत प्रयत्न किया होता है और इस चक्कर में कष्ट झेला होता है। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा चलचित्र की तेज चल रही होती है, उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है। इसलिए शरीर के 5 प्राण, 1 धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देता है। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से निकलकर इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही होती है और दूसरे प्राण शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रहे होते हैं कि व्यक्ति को पता चल जाता है। उसे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी होने लगती है, सांस उखड़ने लगती है, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है और मूर्छित आने लगती है। चैतन्य ही आत्मा की होने का संकेत है और जब आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार है तो चेतना को तो जाना ही है और वो मूर्छित होने लगता है। बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुभूति होने लगती है। यह चौथा आयाम होता है, फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके में किसी भी खुली इंद्रिय से बाहर निकल जाती है। इसी समय चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ के मुख चिन्ह होते हैं। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पत्नों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करती है, ताकि उसके लिए निकलने का मार्ग अवरुद्ध ना रहे, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज़ें आती हैं। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती है, जिससे ये रात के अंधेरे में तो क्या सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होती है तो उसके अपने सगे संबंधी जो मृत आत्माओं के रूप में होते हैं उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से उन्हें देखकर रोते हैं और कभी कभी भौंकते भी हैं। शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण कर्म से होता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजय प्राण के द्वार बड़े वेग से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती है, तोड़ती है, निकलती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मूत्र या मल मार्ग से निकलती है। जो पापी भी हैं और पुण्य आत्मा भी हैं उनकी आत्मा मुख से निकलती है। जो पापी काम और पुण्य आत्मा अधिक है उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है और जो पूर्ण धर्म निष्ठा और पुण्य आत्मा और योगी पुरुष हैं उनकी आत्मा ब्रह्मरत्न से निकलती है। अब तक शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो चुके योगी पुरुष हैं उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रस्त हैं परंतु बुद्धिमान हैं, ज्ञान विज्ञान अथवा पंडित्य से युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। हिंदू धर्म शास्त्र में 10 गोत्र का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसलिए है कि 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण
इस विधान से पूर्ण हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। ऐसे में जब तक 10 गोत्र का श्राद्ध पूर्ण भी होता है और सूक्ष्म शरीर तैयार भी हो जाता है, आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की प्यास बहुत लगती है। शरीर से प्राण निकलते समय कंठ सूखने लगते हैं, हृदय सूखता जाता है और इससे नाभि जलने लगती है, लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जाता और ऐसी ही स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है, प्यास अधूरी रह जाती है। इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का विधान है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है शमशान का पीपल। यहाँ आत्मा के लिए यमघंट बंधा होता है जिसमें पानी होता है। यहाँ प्यासी आत्मा यमघंट से पानी पीती है जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी से आत्मा तृप्ति का अनुभव करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में विधान है कि मृतक के लिए यह सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर किसी कारणवश मृतक का 10 गात्र का श्राद्ध ना हो सके और उसके लिए पीपल पर यमघंट भी ना बांधा हो सके तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी और फिर कब वहाँ से उसकी मुक्ति होगी कहना कठिन होगा। हाँ, कुछ उपाय अवश्य है। पहला तो यह कि किसी के देहांतवास होने के समय से लेकर 13 दिन तक निरंतर भगवान के नामों का उच्च स्वर में जप अथवा कीर्तन किया जाए और जो संस्कार बताए गए हैं उनका पालन करने से मृतक भूत प्रेत की योनि नरक जाने से बच जाएगा। मन के दायरे से बाहर निकलकर सचेत होकर जीवन को जिए, न कि मन की अधीर होकर। यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जीवन का एक एक पल जो जीवन का गुजर रहा है वह फिर वापस नहीं मिलेगा। इसमें जितना अधिक हो भगवान का स्मरण जप करते रहें। हर पल जो भी कर्म करो वह बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतल छाया में रहें। वैसे भी कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है, अतः सदा कर्म सोच विचार कर करें। जिस प्रकार धनुष में से तीर छूट जाने के बाद वापस नहीं आता, उसी तरह कर्म आपसे हो गया वह उस पल का कर्म वापस नहीं आता, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़ जाए, शरीर में रहते हुए आत्मा को यानी स्वयं को जान ले और जितना हो सके मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम श्री कृष्ण का ध्यान चिंतन जप कीर्तन करते रहें। निरंतर स्मरण से हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकेगा, जो कि जीव का वास्तविक लक्ष्य है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।